हाय फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे मॉनिटरी पॉलिसी सो मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेम बाय आरबीआई एंड बाई पॉलिसी फ्रेम बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द मार्केट इनहांस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन टू कीप मनी वैल्यू स्ट्रॉन्ग सो मॉनिटरी पॉलिसी किस लिए आरबीआई बनाता है ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखे इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करे एंड इनफ्लेशन को कंट्रोल में रखे सो so, ये थीन ये तीन थिंग्स हैं तीनों जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरबीआई को आरबीआई के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए और तो मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए सो so, इसके लिए आरबीआई डिफरेंट डिफरेंट टूल यूज करता है इनको कंट्रोल मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जैसे क्वानिटेटिव मैथड की बात करें हम सो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट एस एल आर सी आर आर एंड एमएसएफ एंड बैंक रेट एंड अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें मॉरिचुएशन मार्जिनल रिक्वायरमेंट कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन गाइडलाइंस एंड डायरेक्ट एक्शन सो हम इन सभी चीजों को इस वीडियो में समझेंगे सो व्हाट इज द रेपो रेट दिस इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है किसको कमर्शियल बैंक को आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक अंगेस्ट एलिजिबल सिक्योरिटीज एलिजिबल सिक्योरिटी आर इंपॉर्टेंट थिंग सो so, सिक्योरिटी के बिहाफ पे आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को सो व्हेनेवर बैंक्स हैव एनी शॉर्टेज ऑफ द फंड दे बोरो फ्रॉम द आरबीआई जब बैंक को किसी मतलब फंड की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से फंड परचेस करता है किसके बिहाफ पे सिक्योरिटी के बिहाफ पे एंड किस कितने टाइम के लिए शॉर्ट टर्म के लिए एंड रिवर्स रेपो रेट दिस इज ऑपोजिट टू रेपो रेट क्यों बिकॉज़ If a bank has surplus of the fund, then bank bank keep the that fund within RBI. वो जैसे अगर मान ली किसी बैंक के पास बहुत ज्यादा फंड हो गया है तो वो अपना पैसा RBI के पास रख सकता है और RBI उस पैसे पे इंटरेस्ट पे करेगा बैंक को That वी called reverse repo rate. So repo rate में जो RBI है वो चार्ज करता है और reverse repo rate में इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है

किसके लिए हेल्पफुल है ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए नेक्स्ट वन इज जस्ट स्टैट्युलरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर एसएलआर केम इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ओके सो बैंक्स हैव टू कीप सर्टेन परसेंटेज एक सर्टेन परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज 40% असाइन किया गया है इसमें एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज द इंपॉर्टेंट थिंग मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वट इज द नेक्स्ट नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी सो so, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलटी जैसे अगर आप बैंक में जाते हैं अपना पैसा सेव करते हैं अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डाल दिया या बिजनेस अपना पैसा करंट अकाउंट में डालता है या हम एफ खोलते हैं या आर हम खोलते हैं बैंक में सो so, सारा पैसा हमारे लिए तो वो एसेट है हमारी एसेट है लेकिन बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है क्योंकि बैंक को वो चीज़ वापस करना पड़ती है ठीक है तो इसीलिए इस

सारे डिपॉजिट का आरबीआई के पास रखना पड़ता है ठीक है सो दैट वी कॉल्ड सो इज द कॉल्डिशन बैंक फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में या तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में उसको पार कर सकता है या गोल्ड की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में सिक्योर करना चाहेगा सो एनडीटीएल इज टोटल सेविंग डिपोजिट करंट डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट ओके RBI बी आई प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन एस एल आर एल ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम इंटरव्यू मैक्सिमम एग्जाम में बैंक पी यू एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि आर बी आई प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन एस एल आर और नॉट सो आर बी आई प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन एस एल आर एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ एस एल रेशो एक सर्टेन रेशो बैंक जो है वो आरबीआई में पार करता है और उस इंटर उस पे उसको इंटरेस्ट मिलता है सो so, अब हम अगली चीज ट्राई करेंगे दैट इज द कैश रिजर्व रेशो कैश रिजर्व रेशो बैंक्स हैव टू कीप सर्टेन परसेंटेज अगेन सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी अगेन नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी विद आर इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली वहां पे एसएल और एसएलआर और सीआरआर में डिफरेंस क्या है डिफरेंस सिर्फ इतना है सीआरआर हमेशा हमें कैश में डिपॉजिट करना पड़ती है कैश की फॉर्म में ठीक है बट एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हो सकती है कैश भी हो सकता है गोल्ड भी हो सकता है एंड सेकंड थिंग एसएलआर के ऊपर आरबीआई इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट पे करता है बैंक को लेकिन सीआरआरप सी आर आर पे आरबीआई CRR पे कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता देर इज नो एनी इंटरेस्ट देर इज सो आर बी आई डजेंट प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट ऑन द डिपोजिट ओके इवन नो मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया फॉर सी आर आर सी आर आर के लिए कोई मैक्सिमम और मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है एंड नेक्स्ट वन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी न्यू कॉन्सेप्ट को तो आरबीआई से पैसा लेता था लेकिन धीरे धीरे ऑनलाइन सिस्टम इम्प्रूव हुआ तो जिसके चलते मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आया उसमें क्या है जैसे अगर रात को किसी बैंक के लिए पैसा चाहिए इंस्टेंट मनी चाहिए होता है बैंक को जब रेपो विंडो जो है क्लोज होती है ठीक है तो आरबीआई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बिहार पे बैंक को लोन देता है ठीक है सो आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू बैंक्स दिस दिस इज दिस इज सिमिलर टू रेपो रेट ओके सिमिलर टू रेपो रेट बट डिफरेंस डिफरेंस क्या है दिस फैसिलिटीज अवेलेबल ओवरनाइट फंड ओके व्हेन रेपो विंडो ठीक है एंड हाइयर से थोड़ा हाँ होता है, and overnight fund है है ठीक ये के लिए प्रोवाइड किया जाता है स्टैंडर्ड रेट ओके दिस इज ए स्टैंडर्ड रेट विच आर बी आई प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन आरबीआई प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन टू बैंक्स अंगेस्ट रीडिस्काउंट ऑफ द बिल इसमें कोई एलिजिबल सिक्योरिटी पे हमें लोन नहीं मिलता है इसमें दो ही चीजें जो है वो डिफरेंस डिफरेंट है रेपो रेट से फर्स्ट वन बैंक रेट आरबीआई प्रोवाइड लोन फॉर लॉन्ग टर्म ठीक है एंड सेकेंड थिंग ऑन रीडिस्काउंटिंग ऑफ द बिल अंगेंस्ट री ऑफ द बिल रेपो रेट पे क्या था एलिजिबल सिक्योरिटी के भी यहाँ पे आरबीआई फंड इशू करता है बैंक को और बैंक रेट में रिडिस्काउंट ऑफ द बिल्स के भी यहाँ पे मिनटी तो से इसमें कोई हमें सिक्योरिटी नहीं रखना पड़ती जस्ट बिल दो आर बी आई आपको पैसा देता है लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म के लिए और इसमें रेपो रेट से ज्यादा रेट होता है ठीक है बैंक रेट में सो दिस इज आल्सो हाइयर देन रेपो रेट रेपो रेट से हाइयर होता है

को मनी सप्लाई डिस्पस करनी है तो वो सिक्योरिटी को परचेज कर लेगा अल्टीमेटली पैसा मार्केट में चला जाएगा सो दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशन नेक्स्ट वन इज क्वालिटेटिव मैथड सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वालिटेटिव मैथड यूज बाई दर बी आई फर्स्ट वन इज ए मॉरल इज नथिंग न सुजेशन गिवन बाई दरबीआई टू कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक को ये देता है है ठीक सो आर कॉल्ड

अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो में नॉलेज मिला है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें ताकि वो हमें काफी हेल्प करेगा हमारे अगले वीडियो को अपलोड करने के लिए थैंक यू